दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सातों की सातों सीटें जीत के भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को क्लीन स्वीप करने जा रही है। कोई दिल्ली के जनता की सहानुभूति केजरीवाल के साथ नहीं है, बल्कि दिल्ली की जनता ठगा महसूस कर रही है कि जो लोग ईमानदारी के नाम पर सत्ता में आए थे कि हम ईमानदार सरकार देंगे, आम जन की तरह सत्ता चलाएंगे, उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। उन्होंने इतने बड़े घोटालों में संलिप्त करके दिल्ली की गाड़ी कमाई का पैसा भ्रष्टाचार करके किया है, इसलिए आज केजरीवाल के साथ जनता नहीं है, बल्कि सही तथ्य यह है कि दिल्ली की जनता पुनः सातों के सातों सीटों पर कमल खिला करके मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम। मजबूरी की बात कर रहे हैं, सात तीसरे चरण में 7 मई को चुनाव होने के लिए है, अभी तक भाजपा ने अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतार पाए। अगला सवाल ये है, क्या ये रिवाज जो है समाजवादी पार्टी का हमेशा बरकरार रहेगा? देखिए, पहली बात, कभी भी आप एहतियात उठा के देख लो, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तब घोषित होता है जब चुनाव का नामांकन के आसपास, या कभी कभी तो तब घोषित हुआ है जब चुनाव नामांकन की तिथि का अंतिम दिन होता है, उस कभी भी। लेकिन इससे पहले अभी तो 12 तारीख से हम लोग थर्ड राउंड में हैं। थर्ड राउंड का मतलब 12 तारीख से हमारा नामांकन शुरू होगा, उससे पहले जबरदस्त तरीके से मजबूत प्रत्याशी आपके सामने होगा। विरोधी दल और बाकी लोग जब शुरुआत थी, चुनाव की शुरुआत हो रही थी, वो अभी सूचना भी नहीं मिली, तब पार्टी की ओर से कहा गया था कि जो सीटें हम हारे थे यूपी में, जो मजबूत गढ़ है दूसरे दलों में, जैसे समाजवादी पार्टी का मैनपुरी फिरोजाबादी, उनकी स्थिति स्ट्रांग मानी जाती है, इन सीटों पर हम 15 फरवरी को प्रत्याशी घोषित कर देंगे। अब वो लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग जिन लोगों को प्रत्याशी बनाना चाह रहे हैं, कोई लड़ने को तैयार नहीं है, सब भाग रहे हैं, इसलिए प्रत्याशी घोषित नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा जिसको भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को आदेश देगी पूरी ताकत के साथ लड़ेगा। ऐसा किसी एक नाम बता दो जिसने लड़ने से मना किया हो। तो क्या लगता है आपको कि पूरी ताकत से लड़ेगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्रीय दल नहीं है, पूरे देश की सीटें होती हैं, पूरे देश के विभिन्न राज्यों पर चिंतन मंत्र होता है, राज्य और केंद्र के हमारे नेता जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसमें बैठ करके चिंतन मंथन करके पूरे स्टेट का सामाजिक समीकरण, भौगोलिक समीकरण और विभिन्न समीकरणों को, राजनीतिक समीकरणों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लेते हैं। तो 11 सीटें उत्तर प्रदेश के भी रुकी हैं, उन 11 सीटों पर भी नामांकन की तिथि से पहले, बल्कि मैं कहूँगा कि बिल्कुल सही टाइम पर प्रत्याशी आपके बीच में होगा, सशक्त ताकतवर मजबूत प्रत्याशी होगा, तभी तो हम 80 की 80 पूरी करेंगे। हम आप जो भी प्रत्याशी होगा सीट जीतेंगे, जिसमें मैनपुरी भी शामिल है। लेकिन उसमें एक चीज ये भी है मंत्री, जैसे सपा कन्नौज की सीट डिक्लेयर नहीं कर रही है, भाजपा मैनपुरी और फिरोजाबाद की नहीं कर रही है, तो क्या कहीं नूरा कुश्ती तो नहीं है? ये मंत्री जी प्रत्याशी कहीं कैबिनेट मंत्री तो नहीं होंगे? नहीं, कोई भी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का मजबूत कार्यकर्ता होगा, जो भी चुनाव लड़ेगा मजबूती से लड़ेगा, ताकत से लड़ेगा, इस बार मैनपुरी जीतेंगे। धर्मेंद्र यादव ने कहा था कि मैनपुरी का जो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी भेज रही है वो 3 लाख वोटों से हार के जाएंगे। समय बताएगा, इंतजार कर ले, वो तो सरकार भी 2022 से बना रहे थे, चीफ सेक्रेटरी लेके थाड़ेदारों तक की पोस्टिंग हो गई थी, ये परिणाम आपके सामने था। उपचुनाव में 2,88,000 वोटों से करीब डिंपल, उपचुनाव विषय अलग था, उपचुनाव माननीय मुलायम सिंह यादव जी की श्रद्धांजलि के तौर पर लोगों ने दिया था, सहानुभूति का वोट था, लहर थी सहानुभूति में, लोगों ने श्रद्धांजलि देने का काम किया था, चूंकि चुनाव का समय भी वही बिल्कुल आ गया था कि जिस दिन चिता की आग ठंडी नहीं हो गई थी तब तक उपचुनाव की यहाँ घोषणा हो चुकी थी। देखिए, जिन लोगों के खिलाफ वो बात कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से हमारी जांच एजेंसी काम कर रही है, तो ईडी हो, CBI हो, इनकम टैक्स हो, उसमें हम लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं है, संवैधानिक संस्था है, संविधान को अधिकार प्राप्त है, कोई राजनीतिक संरक्षण हम लोग या हस्तक्षेप इन संस्थाओं के कार्य में नहीं कर रहे हैं। जो भी दोषी हैं जेल गए हैं, जेल जाएंगे, चाहे सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, किसी दल का हो, कोई सरोकार भारतीय जनता पार्टी नहीं रखेगी। जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उनको कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा। मंत्री, सवाल ये है कि विपक्ष ये कह रहा है कि जो भी जिन पर जो भी नेता थे जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे तो वो भाजपा में शामिल होने के बाद एकदम उनके भ्रष्टाचार मुक्त हो गए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, जांच चल रही है,
जांच में जो भी दोषी हैं कार्रवाई हो रही है, जो निर्दोष हैं उनको हम लोग अच्छे भी नहीं कर रहे, जो निर्दोष है वगैरह कुछ नहीं होना। मैंने कहा ना तथ्यों साक्ष्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर जिसके खिलाफ जो कार्रवाई अपेक्षित होगी वो होगी, और जो लोग भले ही विपक्ष के हों यदि बेईमान नहीं है, यदि आरोप सिद्ध नहीं होता, यदि भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं पाए जाते हैं, जांच में दोषी नहीं पाए जाते हैं, तो वो सब लोग बरी होंगे। मंत्री जी ये सवाल है दो हिस्सों में है। पहला हिस्सा ये है कि भाजपा को पत्रकार वार्ता करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। दूसरा हिस्सा ये है कि विरोधी आपका ये आरोप लगा रहे हैं कि चुन चुन के विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है, और ये नैरेटिव जनता भी मान रही है, क्या इसीलिए ये पत्रकार वार्ताएं की जा रही है? पत्रकार वार्ता इसलिए की जा रही है कि नैरेटिव जो बन रहा है कि राजनीतिक कारणों से विपक्ष को परेशान करते करने का काम किया रहा है चुनाव के टाइम पे, यही तो आपका है, उसमें कतई सत्यता नहीं है। सत्यता ये है कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं वो किसी दल के हों, किसी वर्ग के हों, किन्हीं कारणों से हों, कार्रवाई ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जो भी संवैधानिक संस्था हैं ये किसी के दबाव में नहीं है, स्वतंत्र रूप से जांच एजेंसी है, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। पब्लिक को समझाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए आपको लगता है कि सिंपैथी वोट उनकी तरफ जा रहा है या पब्लिक में ये नैरेटिव बन रहा है कि सचमुच कुछ गलत कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। नैरेटिव न बने, ये नैरेटिव न बन पाए इसलिए हम लोग आगाह कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं, ये नैरेटिव न बने इसलिए बताना पड़ रहा है कि जनता के बीच में ये अपने तथ्यों को प्रस्तुत कर करके बार बार चिल्ला के ये नैरेटिव न जनता के बीच में बना पाए कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सभी खाते सीज कर दिए गए हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पास चुनाव लड़ने तक के लिए पैसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, कांग्रेस के कोई खाते सीज नहीं हुए, जितना वो भी जो एसेट आईटी का एसेसमेंट है वो पुराने वर्षों का है, और उतने अमाउंट के पैसे सीज किए गए हैं, जो पैसा उन पर ड्यूज था लगातार बहुत नोटिसों के बावजूद बहुत लंबे अंतराल से पैसा वो जमा करने का काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही थी। एक अकाउंट उतने का ही, उतना रुपया जितना रुपया का असेसमेंट नोट के खिलाफ है उतने रुपए को निकासी पर रोक लगाने का काम हुआ, खाते कोई सीज नहीं हुई, बहुत खाते हैं। मंत्री जी, ये माना जाए कि इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है इसलिए लेकर ये प्रेस वार्ता की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे देश में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय मोदी जी को नेतृत्व देने के लिए तीसरी बार सरकार बना लेगी, प्रचंड बहुमत के साथ जनादेश देने का काम करने जा रही है, चाहे वो यूपी हो, विभिन्न राज्यों में आप देख लें, जनता को चूक पता है, नंबर एक इसलिए देने जा रही है कि जनता चाहती है देश की तरक्की, जनता चाहती है समाज में दबे कुचले शोषित पीड़ित गरीबों का कल्याण, जनता चाहती है कि झोंपड़ियाँ हटके पक्की छत बने, जनता चाहती है आयुष्मान भारत से 5 लाख का निःशुल्क इलाज हो, जनता चाहती है हर घर में निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था हो, जनता चाहती है स्वच्छ शौचालय बने, जनता चाहती है रोजी रोजगार के अवसर हों और भारत की धमक भारत की चमक विश्व पटल पर छाए, विकासशील भारत से विकसित भारत बने। हम 11वीं अर्थव्यवस्था 2014 में थे लेकिन 2024 आते आते हम लोग दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इससे ज़्यादा सौभाग्य क्या होगा कि हम जिस ब्रिटेन ने हम पर लंबे समय तक राज किया, जिस ब्रिटेन के राज में कभी सूरज अस्त नहीं होता था, उससे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन के उभरा है, और आने वाले समय में हम लोग दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बहुत शीघ्र बनने जा रहे हैं, तो देश की तरक्की के लिए, देश की भलाई के लिए नौजवान महिला गरीब किसान इनका कल्याण हो, गाँव खुशहाल हो, इसके लिए लोगों को निर्णय लेना है तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का। दूसरी ओर वो विपक्ष है जिसके पास न कोई रोड मैप है, न कोई देश को तरक्की के लिए कोई प्लान है, और वो दल आज एक साथ गठबंधन में इकट्ठे हैं जो एक दूसरे को गाली देते हुए ही गठित हुए हैं, और ज़्यादातर उनमें वो दल हैं जो कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए कांग्रेस के विरोध में जिन दलों का क्षेत्रीय दलों का गठन हुआ, केवल कांग्रेस को गालियाँ देते हुए कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस के कार्यों के खिलाफ जिनका गठन हुआ है वो आज कांग्रेस के पिछलग हुए, तो इसलिए ये चीज़ एक तरफ है मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है
जो देश और जन जन का भला लोक कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा, विकास के द्वारा देश को बहुत आगे ले जाने के सपने के साथ चल रही है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पास देश को आगे ले जाने का कोई रोड मैप है, न कोई नीति है, न कोई मार्ग है, न कोई रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, और न आज भी कोई अपनी आगे, अगर उनकी सरकार जनता बनाती है तो आगे देश को किस तरह चलाएंगे इसका भी कोई रोड मैप जनता के बीच में प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि विभिन्न इशू पर, विभिन्न दृष्टिकोण से, विभिन्न बिंदुओं पर गहन चिंतन मंथन के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रत्याशी करती है। कुछ भी हो सकता है लेकिन मजबूती के साथ होगा, ताकत के साथ होगा, और बहनपुरी इस बार कमल खिलेगा। नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब इसका मतलब प्रत्याशी में देरी, ये आपकी रणनीति है, ऐसा नहीं है कि प्रत्याशी नहीं मिल रहा। जिस कार्यकर्ता को पार्टी आदेश देगी पूरी ताकत से लड़ेगा, उसमें प्रत्याशी न मिलने का प्रश्न ही कहां से हो गया। पहले विपक्ष का दावा इस बार 4 लाख से जीत रहे लोकसभा मैनपुरी है। अब देखो, वो जीतते हैं, हम जीतते हैं, एक तो जीतेगा। एक आपके प्रेस नोट में जिक्र किया गया स्वामी प्रसाद मौर्य का, जिन्होंने रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी की थी, लेकिन बाप के उसकी सजा बेटी को क्यों मिल रही है, जो एक मंच पे भी देखने को मिला है कल बदायूं में, और उनका नाम यहाँ मैनपुरी में भी चल रहा है। हम अपने संगमित्रा मौर्या जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, हमारी पार्टी कार्यकर्ता है। हर कार्यकर्ता को कहाँ किसके रूप में इस्तेमाल होना है, किस रूप में उसकी उपयोगिता है, किस रूप में उसका पार्टी उपयोग करके चुनाव में ले जा सकती है, राज्यसभा में भेज सकती है, विधान परिषद भेज सकती है, संगठन में ले जा सकती है, किसी भी कार्यकर्ता का कहाँ उपयोग करना है, ये पार्टी बहुत चिंतन मंथन के बाद तय करती है। संगमित्रा जी हमारी पार्टी की नेता हैं और पार्टी के साथ काम कर रही हैं। कल भी बदायूं में माननीय मुख्यमंत्री की बैठक में वो वहाँ थी, उसी मंच पे रो रही थी। रोना वैसे भावुक हो गई किसी विषय को लेकर, उन्होंने खुद कहा भी है कि हम किसी कोई किस्सा कहानी, हम माध्यम शिक्षा मंत्री बगल में बैठी थी, कोई किस्सा सुना दिया, उसको लेकर के आंखों में आंसू आ गए, हो सकता है वो तो अलग विषय है। लेकिन क्या आंसू मंत्री जी मैनपुरी लोकसभा पर उनको प्रत्याशी बना सकते हैं, ऐसी कवायद ना हो, कुछ भी लगता है। मैंने कहा किसी के उपयोगिता कहाँ हो सकती है और कब हो सकती है और किस रूप में हो सकती है, ये पार्टी तय करेगी, लेकिन सारी विकल्प और संभावना खुली हुई है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि संगमित्रा मौर्य जो हैं वो सपा के लिए प्रचार करेंगे, उनके लिए वोट मांगेंगे। शिवपाल यादव ने कहा है, चलो देखते जाइए अब कहाँ दे रहे हैं, नाई नाई कितने वाले सामने आए जा रहे हैं, कौन किसके लिए प्रचार करेगा, बहुत जल्दी शीघ्र आपके सामने आ जाएगा। वो तो उनके पिताजी को भी नहीं रोक पाए, वो भी भाग गए जो उनके साथ थे। ठीक है।